आज वो सोया पड़ा है। अपेक्षा है सर्वांगीण विकास की, संतुलित विकास की, और उस विकास के लिए मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है। जब पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती हैं, तो इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहां पर मानवीय और देवी वृत्तियां जन्म लेती हैं। पर मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, डब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक हो जाएगा जैसा वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने 32-33 विद्यार्थियों को शूट करके रख दिया। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में हमें जो समस्या दिखती है, हिंसा की हो, आतंकवाद की हो, कभी रंगवाद, कभी वर्णवाद, कभी नस्लवाद, कभी क्षेत्रवाद, उसका रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तक वो पार्श्विक वृत्तियों में संलग्न होता है। और इसलिए हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, कौन नहीं जानता, भय्यू जी महाराज अनेक बार सुनाते हैं वो युधिष्ठिर जी और द्रोणाचार्य का प्रसंग, सत्यम वद धर्मम च क्रोधम मा कुरु, कक्षा में पढ़ाया सबको, अगले दिन पूछा, पाठ याद हो गया, सभी विद्यार्थियों ने कहा हो गया, एक ने कहा याद नहीं हुआ, दूसरे दिन पूछा तो भी याद नहीं हुआ, तीसरे दिन एक चांटा झड़ा गुरु ने और कहता है पाठ याद हो गया, बोले ये क्या बदतमीजी है, बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था शिक्षा वो शिक्षा है जो जीवन में उतर जाए। अभी तक मुझे जब चांटा पड़ता था गुस्सा आता था, आज जब चांटा पड़ा और गुस्सा नहीं आया तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया। शिक्षा का काम है अपने इमोशंस और पेशेंस पर कैसे नियंत्रण हासिल करें। मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, यही रात का समय था, गाड़ी लेके जा रहा था व्यक्ति, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा उसके लाइट नहीं है, रोकने की चेष्टा की, भैया गाड़ी कहाँ दौड़ा रहे हो, उसके लाइट नहीं है। उसने कहा बीच में से हट जा नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं ये पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने आरंभ से ही पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। बिल क्लिंटन जब मिले मुझसे, मैंने उनसे कहा पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं हम, नॉन वायलेंस पे करते हैं, फिर हिंदुस्तान में तो जैसा मदनी साहब ने कहा एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है, किंतु बदलाव जो है केवल उपदेश से नहीं आता, केवल सिद्धांत से नहीं आता, वो आता है प्रयोग से। और प्राचीन हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो प्रयोग आधारित थी। आज अपेक्षा है सर्वांगीण और संतुलित विकास के लिए कि हम प्रारंभ से ही एजुकेशन सिस्टम में पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करें, और अगर ऐसा हुआ तो वह हिंसा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में समर्थ हो सकता है। अब जो मूल प्रश्न था